जो प्रभु ने हम सबको दिया है कि हम प्रभु के घर में प्रभु की आराधना प्रभु की स्तुति के लिए हम प्रभु के घर में आ सके, आप सबका इस आराधना सभा में स्वागत है। खास करके यदि कोई पहली बार आया तो उसको हम हमारे इस पास्टर में इस वर्षिप में आप सबका वेलकम करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें बीते सप्ताह संभाला, अलग अलग जगहों में प्रभु हमारे संग रहा और आज हमें प्रभु के घर में आकर के उसकी आराधना करने का ये समय दिया। हमारे बीच में गॉस्पल पढ़ी गई यूहन्ना उसका छठा अध्याय और छठे अध्याय के 6 वचन में लिखा है कि प्रभु ने उनसे बातचीत की, अपने चेलों से बातचीत करी सिर्फ उन्हें परखने के लिए, क्योंकि प्रभु खुद जानता था कि वो क्या करने वाला। तो ये बात तो सच है कि प्रभु वक्त से बहुत पहले जो है योजना बनाते हैं, जैसे अभी टेस्टिमनी में दिया गया, पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि वो माता के गर्भ से पहले चुन लेता है, नियुक्त करता है और जब समय आता तो फिर वो इस्तेमाल करता है। ऐसे हम देखते हैं पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर हमने 16 वचनों तक पढ़ा है। एलिया तिस्बी का वहाँ वृत्तांत है, उनका जिक्र किया गया है उनकी सेवकाई के बारे में और वहाँ भी हम देखते हैं इस जो मैसेज है बहुत सारे मैसेजेस हैं। आप एक एक इसकी कड़ी को पढ़ेंगे तो हर कड़ी के बीच में आपको एक अलग तरीके का मैसेज मिलेगा। और या हम एलिया को, विधवा को, परमेश्वर को और उसके सारे इंतजाम को देखते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो मेरे आपके सीखने के लिए है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए है और प्रभु के बड़े सामर्थ्य कामों के लिए है। जब एलिया की सेवकाई शुरू होती है तो बड़ी सामर्थ्य के साथ एलिया को कहा जाता है नबियों की आत्मा, सबसे बड़े नबी के तौर पर, सबसे सामर्थ्य नबी के तौर पर एलिया को जाना जाता है। और एलिया के बारे में हम याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय के 16 वचन में पढ़ते हैं कि वो मेरी और आपकी तरह, हमारी तरह सुख दुखों की व्यक्ति था और जब उसने प्रार्थना की और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, जब फिर उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की और बारिश हुई और भूमि फलवंत हुई। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब वो अहाब के सामने जाता है, उस राजा के सामने, वो जो इसराइल के सारे राजों के से ज़्यादा बुरे काम करने वाला, परमेश्वर की दृष्टि में बुरे काम करने वाला था, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ने वाला था, उसने बहुत सारे काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में घिनौने थे और इसका जो है परमेश्वर उसको जो है सिखाना चाहता है और एलिया को भेजा। एलिया ने उसके सामने जाके कहा कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बारिश नहीं होगी और वहाँ से निकला और परमेश्वर ने एलिया से बात की, करीत नाम नाले में चला जा, वही का पानी पीना और मैंने वहाँ कौवे को नियुक्त किया है, मैंने वहाँ कौवे को नियुक्त किया कि वो तेरा वहाँ खाने पीने के लिए तेरे को दिया करे। परमेश्वर देखिए, हम इंसानों की तरफ देखते हैं और परमेश्वर के काम करने के ढंग तरीके बिल्कुल फर्क है। पक्षियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, कई तरीके के जो है जो वीक सेक्शन है उनके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। पहली चीज तो यह है कि परमेश्वर प्रबंध करके रखते हैं। कौवे को कहते हैं कि मैंने तेरे लिए आज्ञा दी है, तेरे लिए मैंने किसको दी, कौवे को आगे, जब हमारे खुले घर हुआ करते थे और जब हमारे बाथरूम भी आज की तरह नहीं होते थे, खुले घर के कोने में हमारे वो छोटी चारदीवारी होती थी, ऊपर छत भी नहीं होती थी, वहाँ जब हम नहाते थे तो मेरे जमाने में हम लाइफ बॉय साबुन से नहाते थे, लाल रंग का होता था और हम नहा के बाल्टी से नहाते होते, कौवा आता था वो साबुन को उठा के ले जाता था
और कौवा एक ऐसा है जो छीनने वाला है, उसकी नेचर उसका स्वभाव ऐसा है जो छीनने वाला है, लेकिन परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है अपने दास की जरूरतों को पूरा करने के। वह देखो ऐसा खाना भी क्या जा रहा है, आपने पढ़ा है वाचन में जो हमारे बीच में पढ़ा है उसमें पढ़ा गया है जो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि कौवा वहां उसको मीट और रोटी दिया करता था। तो ये परमेश्वर ने पहले से प्रबंध किया। आगे क्या हुआ कि मूसा एलिया के कहने के अनुसार वहां बारिश नहीं हुई और उस बारिश के कारण वो नाराज शुरू किया और परमेश्वर ने आप एलिया से बात की तो आप जो है सारफत नगर में चला जा, वहां तेरे निमित्त मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है, तेरे निमित्त एक विधवा को तैयार किया है, तू उसके घर में रहेगा, उसके घर में वो तेरे जो है खाने पीने का प्रबंध करेगी। अभी देखो जब हम एक विधवा की बात करते हैं, आज भी जब उस जमाने में जब ये बाइबल जिस लिखी गई है विधवा एक वीकर सेक्शन को बताता है जिसके पास बहुत सारी अभाव है, बहुत सारी कमियां है, जिसका पति नहीं है और उसके सामने बहुत सारी मुश्किलात और उससे ज़्यादा इलाके में अकाल पड़ा हुआ है और अकाल की वजह से जो है लोगों के जो जो खेती बाड़ी उपज सारी की सारी बंद है और ये जो महिला है ये बहुत जो है संपन्न परिवार से नहीं है। आप उसके बारे में पढ़ते हैं कि बाहर शहर के या नगर के जगहों के बाहर कस्बे के बाहर वो लकड़ी भीन रही है, उसके पास अपने ईंधन नहीं, अपने घर में नहीं है, वो बाहर से इधर उधर से जो है लकड़ी जो है इकट्ठी करके अपने घर का गुजारा चलाने के लिए आ रही है और परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया एलिया के लिए। और दूसरी चीज जहाँ हमारी पुरानी कहावत है कि एक द्वार बंद होता तो प्रभु दूसरा द्वार खोलता है, यहाँ एलिया गरीब नाम नाले पर था, प्रभु ने आज्ञा दी वही जा वही रहना वही खाना और उसी का पानी पीना और वह रहा उसी में खाता पीता रहा और जो गर्मी की वजह से सूखे की वजह से बारिश ना होने की वजह से उस नाले का पानी खत्म हो गया सूख गया। और जब ये नाला सूख जाता है और परमेश्वर ने सारपत नामक एक विधवा के घर में उसके लिए दूसरा द्वार खोला। बहुत बार जो है हम परेशान हो जाते हैं, हमारी एक जगह पर कुछ हमारी जो कमियां आती हैं तो हम चिंतित होते हैं परेशान होते हैं, एक जगह पर हमारी जॉब के ऊपर कोई बात आती है तो हम दूसरे चिंता करते हैं, लेकिन प्रभु ने पहले से ठहराया है, प्रभु जानता है कि वो क्या करने वाला है, प्रभु जानता है मेरे को क्या जरूरत है, प्रभु जानता है आपको क्या जरूरत है, प्रभु जानता है कि उसने किसके द्वारा कैसे आपकी उन जरूरतों को पूरा करने वाला है, सिर्फ हमें क्या करना है प्रभु की तरफ देखना है। यहाँ जब हम एलिया की तरफ देखते हैं इस विधवा की तरफ देखते हैं तो दोनों के बीच में एक बात कॉमन है, पहली चीज वो दोनों ही आज्ञाकारी हैं, दोनों ही आज्ञाकारी हैं और दोनों ही बहुत सहज भाग्य हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं और प्रभु के प्रति आज्ञाकारी हैं, प्रभु का वचन जो उनके पास पहुंचता है उस वचन के अनुसार बहुत आराम से है ना, जैसे बोलते पड़े जो है बहुत इनका पैसिव काइंड ऑफ फेथ है, बहुत ही सिंपल साधारण उनका विश्वास है, परमेश्वर ने जो कहा उन्होंने वही किया, इधर से पानी खत्म किया अब तो साफ पर नगर चला गया और वहां जाने के लिए एक लंबा सफर काटना है इस नारे से उठ करके वहां जाना है। और जब वो वहां एलिया जाता है और उस विधवा को देखता है और विधवा से एक जो है पानी के लिए मांगता है, ये कहा जाए कि एक घूंट मेरे लिए पानी लेके आना, और जब विधवा पानी लेने के लिए जाती है तो एलिया कहता मेरे लिए आप भी आती है एक टुकड़ा रोटी का भी लेते आना। अब ये महिला रुक जाती है, ये विधवा रुक जाती है और क्या कहती है, तेरे परमेश्वर यहोवा की सौगंध मेरे घर में एक मुट्ठी भर मैदा है और एक टुकड़ी भर तेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है और ये जो मैं लकड़ी भीन रही हूँ जो यहाँ इकट्ठी कर रही हूँ
ये मेरा आखिरी खाना मैं और मेरा बेटा, उसके बाद अकाल है, हम भूखे लोगों की तरह हम भी जो है इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। और एलिया क्या कहता है कि नहीं, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, जब परमेश्वर तुझे जब तक अकाल रहेगा तब तक ना तो तेरा वो मुट्ठी भर मैदा और ना वो कुप्पी में तेल खत्म। ये महिला जो है बड़ी स्पष्टवादी है, अपनी स्थिति को बहुत ही अच्छे साफ तरीके से बताते हैं। सिर्फ यही है जिसे बोलते हैं ना, आई हैव जस्ट इनफ, जस्ट वो इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, आपको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, जस्ट वन मील फॉर मी एंड माई सन, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं। और एलिया कहता तू जा पहले मेरे लिए लेके आ, और परमेश्वर जो है इस तेरे इसको कभी कम नहीं बोले दे। और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि उसने भी प्रभु के दास की बात को मान लिया, उसके ऊपर भी भरोसा किया, और उसको पहले वो मानती है, क्या कहती है, तेरे परमेश्वर यहोवा की सौगंध, जिसकी तेरे परमेश्वर, अभी वो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानती लेकिन उसने सुना होगा परमेश्वर के कामों के बारे में, एलिया के बारे में उसने सुना होगा, और वो इस समय मानती है कि ये व्यक्ति प्रभु की ओर से, एलिया प्रभु की ओर से है, प्रभु का दास, प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है। उसको कहती है तेरे परमेश्वर यहोवा की सौगंध, मेरे पास इतना ही है। और जब वो आगे उसको और समझाता है और उसके ऊपर वो भरोसा करती है, विश्वास करके अपने घर में ना सिर्फ पानी लेके आती है बल्कि रोटी भी पका के लाती है। आगे हम पढ़ते हैं कि उस घर में जब तक अकाल पड़ा रहा, 3.5 साल का अकाल था, और ना तो उसका वो कुप्पी भर तेल और ना मुट्ठी भर उसका मैदा खत्म नहीं हुआ। जैसे अक्सर मैं इस चीज को रियलाइज करता हूँ, आप भी मानेंगे कि पहले खाने वाले वो कह रही दो है, मैं और मेरा बेटा, अब खाने वाले 3 हैं, लोग भी बढ़ के, गिनती भी बढ़ के खाने वालों की, और समय भी जो है बहुत चलता है। और इसमें है यदि प्रभु के वचन के अनुसार करेंगे, प्रभु की मर्जी के अनुसार चल करेंगे, तो प्रभु जो है हमें अपने घर से, अपने घराने से, अपने स्वर्गीय भंडार से, अपनी उत्तम बरकतों आशीषों से परिपूर्ण करेगा। भजन संहिता 34 में पढ़ते हैं 9 और 10 में, खा सकते 10 वचन में लिखा है कि जवान शेर भूखे रह सकते, उनको कमी भी आ सकती है, परंतु प्रभु के कोचियों को या प्रभु के ट्रवैयों को किसी प्रकार की कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी। और ये प्रभु की खोज करने वाले लोग हैं, और प्रभु ने इनकी कोई भी कमी, कोई भी इनकी जिंदगी में घटी नहीं आने दी। तो प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखे, अपनी आशीष दे कि हम प्रभु के वचनों के ऊपर, प्रभु के दासों के ऊपर भरोसा रखें, विश्वास करें, प्रभु के वचनों के, प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रहें, और प्रभु अपने जो है स्वर्गीय धन से, जो प्रभु यीशु मसीह में उस महिमा में धन से हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। या ये कहा जाए कि हमारी हर कमी को प्रभु दूर करेगा। यहाँ भी एलिया ने जो कहा है वो कहा कि ये जो है कभी कम नहीं होगा, ये नहीं कहा कि बहुत बढ़ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। वो कहते हैं यहोवा परमेश्वर के जाके एक बार करके देखकर लेके आ, तो ना तो तेरा जो मुट्ठी भर मैदा और ना ये मुट्ठी भर तेल जो है ये खत्म नहीं होगा, है ना, ये खाली नहीं होगा, तेरा जो भी ये तेरे बर्तन है ये खाली नहीं होगी। और प्रभु यही चीज जो है मेरे को, आपको, आप सबको ये कहता है, प्रभु के नाम से, प्रभु के काम से, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के घर के लिए जब हम देते हैं, तो जैसे ग्रंथ के पत्र में लिखा, प्रभु हर्ष से देने वालों से, खुशी से देने वालों से प्रभु प्रसन्न होता है। बहुत बार जो है हम उसमें वचन में लिखा भी है, जैसे आज पढ़ा गया ग्रंथियों की 2 पत्री 9 अध्याय कि कुड़कुड़ा के नहीं देना, खुशी के साथ देना है, क्योंकि प्रभु खुशी से देने वालों से प्रसन्न होता है। बहुत बार हम किसी न किसी तरीके से हम आप लोगों के से अपील करते हैं, चर्च की अलग अलग जरूरतों के लिए हम आप लोग के पास आते हैं, बहुत सारे लोग आराम से दे देते हैं, कुछ लोग टाइट होकर भी देते हैं, और कुछ लोग जो है सुना के देते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ता,
प्रभु जानता है मेरे और आपके दिल को, और जिस मंशा से हम देंगे प्रभु उसी मंशा से हमारे लिए द्वार खोलेगा। एक द्वार बंद होगा प्रभु दूसरा द्वार खोल देगा। जब सूखा पड़ जाएगा तो प्रभु जो है अपनी आशीषों की बारिश भी हम पर उठेलेगा। सिर्फ हमें प्रभु के पीछे चलना। इस विधवा ने दिया, प्रभु ने उसको एक दिन का खाना था। क्या कह रही है, ये खाना खा के मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। क्या हालात होगा, क्या सोच होगी, किस तरीके की उनका जो इस समय वो सोच रही होगी। और अभी देखिए एलिया साहब की भी बात देखिए कि एलिया कहते नहीं मुझे कोई नहीं है ना, तुम्हारे बेटे के पास हो या ना हो पहले मुझे ला के दो। कई बार मैं सोचता हूँ अगर आज के युग में कोई पादरी जाके किसी घर में कहे कि तुम्हारे बच्चे खाए ना खा पहले मुझे किलो तो क्या हाल होगा है ना। अगले दिन पास्टर बेटे बिशप साहब के पास पहुंचाएगा। तो प्रभु जो है, जब प्रभु के लोगों के लिए सच है, जब प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के काम के लिए जब हम देते हैं तो प्रभु कभी कभी कमी नहीं आने देते। मैंने कई बार आप लोगों के बीच में और जगहों पर भी टेस्टिमनी शेयर की है कि जब हम, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस चीज को सीखा, प्रभु के नाम के लिए देना शुरू किया तो प्रभु ने कभी कोई कमी नहीं आई। ये नहीं कि बहुत कुछ है, कुछ नहीं है, उतना ही है, लेकिन यह कि कभी कमी नहीं आने देती। और वो प्रभु मेरे आपके हर एक की जिंदगी में ऐसा ही करेगा, वो कभी कमी नहीं आने देगा। और फिर हम देखते हैं कि जब ऐसे हालात आते हैं, जब कमियां आती हैं, तो प्रभु उसको भरपूरी से जो है देता है। जब हम इस विधवा के बारे में देखते हैं तो उसकी सबसे बड़ी बात है कि वो परमेश्वर के द्वारा तैयार की, पहले से नियुक्त की गई थी। दूसरी हम चीज देखते हैं कि वो प्रभु के भय में चलने वाली थी, प्रभु के लोगों का आदर करने वाली थी, और फिर वो प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाली थी। इस बीच में प्रभु एक लीडर हो या प्रभु एक लेडी हो, दोनों के बीच में प्रभु एक चाहता है कि हम सेक्रीफाइस करें। हम में से हर किसी की जिंदगी में कुछ कुछ थोड़ा बहुत बलिदान चाहते हैं, और उस बीच में प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसे रिस्क ले, विश्वास के ऐसे कदम उठाए जिससे उन कदमों की प्रभु हमारे हमारे जो है हमारी आदर करे, कदर करे। परमेश्वर के दास विलियम कैरी, नाम सुना होगा आपने, उनका ये था अटेम्प्ट ग्रेट थिंग फॉर द लॉर्ड एंड एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करो और प्रभु से उत्तम आशीष पाने की आशीष करो। वो पॉपुलर थे और वो जानते हैं कि मैंने बहुत साधारण परिवार का था, और जब वो भारतवर्ष में आया, उनके द्वारा भारतवर्ष ने कितना काम, प्रिंटिंग प्रेस का काम उन्होंने शुरू कराया, भाषाओं का काम, बाइबल का ट्रांसलेशन उन्होंने किया। विलियम कैरी को जो है अमेरिका 91 में भारतवर्ष ने उनका 200 साल का जो है जन्मदिन यहाँ मनाया था भारतवर्ष की सरकार। तो प्रभु मेरे और आपके जिंदगियों में ऐसा इस्तेमाल करेगा, इस प्रकार की हमें आशीष देगा जब हम उसके नाम में, उसके काम में अपने आप को अर्पित करते हैं। एक पॉइंट और मेरा था, मेरे दिमाग से निकल गया है, मैं यही खत्म करता हूँ। आइए दुआ करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, एलिया और इस विधवा के जिंदगियों में काम करने के लिए, इन विपरीत परिस्थितियों में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके सारे प्रबंध, आपके इंतजाम के लिए जो आप अपने लोगों के लिए करते हैं, अपने लोगों के द्वारा करते हैं, साधारण कमजोर लोगों के द्वारा करते हैं, और उससे आपकी महिमा आपका जलाई जा रही है। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। ये जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि प्रभु के लोग जहाँ भी जाते हैं
प्रभु उनके द्वारा आशीष लेके जाता है। ओके ठीक है। तो एलिया क्या सारपत में, वहां अकाल था तो इस घर में आशीष रही। यूसुफ क्या मिस्र में, तो पोतीफर के घर में और मिस्र देश में अकाल था, उस सारे के सारे समय में आशीष प्रभु हम सबको आशीष।